उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग मंत्री सत्यदेव पंचोरी और व्यापार कल्याण बोर्ड के सह संयोजक मनीष गुप्ता ने हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाग लिया, जहां पर व्यापारियों का माल्यार्पण कर और साल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। मंत्री जी द्वारा सम्मानित होने के बाद व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। व्यापारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार व्यापारियों के हित आहित नहीं होने देगी। जो भी व्यापारियों की समस्याएं होंगी उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। वहीं जब बुंदेलखंड में दम तोड़ रहे उद्योग के संबंध में सवाल किया गया तो मंत्री जी सवालों से किनारा करते हुए नजर आए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए इन्वेस्टर समिट, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस व आदि माध्यमों से हाथ करघा उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने जा रही है, जिसके द्वारा बुंदेलखंड का संग्राम विकास हो सकेगा। हर व्यक्ति के लिए सुलभ होने वाले और जिनके दरवाजे प्रत्येक व्यापारी के लिए दिन रात खुले रहते हैं और जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास का एक नया आयाम खड़ा किया है और छोटे से छोटे उद्योग धंधे को लगाने के लिए और व्यापारियों को होने वाली सारी परेशानियों को दूर करने के लिए और आम जनमानस के एक विराट व्यक्तित्व को लेकर के एकदम साधारण व्यक्तित्व के रूप में जीवन जीने वाले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सत्य पचौरी जी को साथ प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस मंच पर शोभायमान हो रहे और बहुत लंबा जिनका संघर्षों का जीवन बुंदेलखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक और प्रदेश के अनेकों जिलों में जिनके साथ काम करने का समय समय पर मौका मिला और यहां की जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दादा लक्ष्मी नारायण जी की यहां पर उपस्थिति वास्तव में हम सब व्यापारियों को और मेरे भाइयों को बहुत ताकत दे रही। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में व्यापारियों की आवाज उठाने वाले पूरे बुंदेलखंड में, पूरे ब्रज क्षेत्र में, पूरे कानपुर क्षेत्र में पिछले 20-25 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जिन्होंने दौरा किया और कानपुर की जोरदार धरती से 3 बार लगातार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सलीम बिश्नोई जी का हार्दिक स्वागत इस व्यापार प्रकोष्ठ के व्यापारियों के मंच पर करता हूं। जैसा कि आप सूक्ष्म और लघु उद्योग के मंत्री हैं मगर यहाँ इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ये उद्योग दम तोड़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इनकी? देखिए 70 सालों में किसी भी सरकार ने बुंदेलखंड के विकास की चिंता नहीं की। हमारी सरकार ने चिंता की है एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से, हमारी सरकार ने चिंता की है बुंदेलखंड कल्याण बोर्ड बनाकर, हमारी सरकार ने चिंता की है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देके, हमारी सरकार चिंता कर रही है डिफेंस कॉरिडोर देकर और समग्र विकास। और मैं जो इन्वेस्टर समिट में भी बुंदेलखंड के लिए कई उद्योग आए हैं वो शीघ्र स्थापित होने जा रहे हैं और हम यहाँ पर जो बुंदेलखंड का पुराना काम था वो था कपड़े का, कपड़े कताई का काम था, लूम हैंड लूम और पावर लूम का काम था, हम उसको फिर से पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। हम सोलर चरखे के माध्यम से यहाँ पर खादी उत्पादन केंद्र खोलने जा रहे हैं ताकि बहनों को खादी बनाने की ट्रेनिंग हो और वो रोजगार से जुड़ सके।